हम लोग आए हैं इस्कॉन टेम्पल। क्योंकि आप हैं प्रयागराज में। खूबसूरत वीडियो के माध्यम से खूबसूरत प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। तो हम आ गए इस्कॉन ओम श्री श्री राधा वेणी माधव मंदिर। आज आप लोगों को सैर कराएंगे इसका। तो चलते हैं सबसे पहले अंदर। ये है, आप लोग देख रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल ऑफ प्रयागराज। ये है यहाँ बालाजी का मूर्ति, आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग मंदिर में आए, फिर मंदिर के जो मेन मैनेजर हैं और उन्होंने जीजू को सम्मानित किया और गिफ्ट वगैरह किया, श्रीमद् भगवत गीता भी दिया। हम लोग आए हैं इस्कॉन टेम्पल और ये जो दिख रहा है ये चंदन है, तो इग्नोर। माना जाता है कि चंदन से दिमाग ठंडा रहता है, मैंने भी मिटाया नहीं कि अच्छा ही है। आप लोगों को ले चलते हैं गौशाला की तरफ, जो प्रयागराज के इस्कॉन टेम्पल का गौशाला बनाया गया है। थोड़ा फोटो शोटो लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और ये सब गाय दिख रही हैं, गाय माता, ये सब गौशाला है और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बना हुआ है। उसके बाद अब हम चलेंगे राधा वन में। राधा कुंज छोटा ही सही, बहुत प्यारा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं शांत होती हूँ और आप सब देखिए। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियों को देख दीदी बहुत खुश हुई। आशा है कि आप लोग भी देख के इसे खुश होते ही होंगे। और अगर आप लोग प्रयागराज में हैं या आने वाले हैं तो आइएगा इस्कॉन टेम्पल। यह है श्री श्री राधा गिरधारी। अंदर की तरफ चलते हैं और फिर दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा सा सरोवर भी बना है, राधा सरोवर। दिखाते हैं आप लोगों को, जो ये है,
अच्छा बनाया गया ना। भागवत गीता पढ़ लो। तो गाइस मैं गया था अभी इलाहाबाद के इकॉन मंदिर में, इस्कॉन टेंपल। हाँ भाई, इस्कॉन टेंपल, इस्कॉन मंदिर। तो प्रज्ञान नहीं पाया। हमारे एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे ये